तो चलें इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और तो कुछ है इसके अंदर, ये इनवॉइस होगी, मेरा किसी जरूरत नहीं है। तो ये एक देखने में तो काफ़ी बड़ा बॉक्स लग रहा था ड्राइव पे, तो मेरा एक दोस्त है उसने मुझे रिकमेंड किया था कि यार ये चीज़ ले ले, लेकिन मुझे जो चीज़ वियर्ड लग रही थी ना इसमें, इसका जो चार्जिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। सिर्फ 60 मिनट जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट जो अच्छी चीज़ है वो उसके अंदर ये है कि आपके पास मल्टीपल हेडर्स हैं, शेवर इसके अंदर होता है सामने, आपका जो है नोज़ ट्रिमर है उसके साथ आपकी जो है ज़ीरो साइज़ की ट्रिमर क्लिप है, और साथ में जो है एक्स्ट्रा जो क्लिप है वो इतने नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा जो कंप्लेंट्स इसके साथ होती है ना, इस डिवाइस के साथ बॉक्स के अंदर मैनुअल होगी, इसकी दिक्कत नहीं है। जिसके साथ काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं वो ये है कि लोग कहते हैं कि ये ना मशीन यूज्ड भेज रहे हैं। अब आई डोंट नो कि क्या सीन है, लेकिन जो मेरे ख्याल से तो ये यूज्ड नहीं है। और शुक्र है बैटरीज अंदर ही हैं, मुझे लगा बैटरी सेट ना हो। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपकी जब बैटरी ख़राब हो जाए आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। मेरे ख्याल से टाइम जो है ना वो बहुत कम है, लेकिन मैं भी अगर आप अच्छे सेल इसके अंदर डाल दें मे भी फ़र्क पड़ जाए। और नाइस यार, ये अपनी यूज़ कैसे होता है, आई डोंट नो किस तरह से यूज़ होगा। ओह वाह शेवर आई, इसका हेड, इसका ये क्लिप पर टेप उतारते हैं। ओह फक, बहुत ज़्यादा स्पीड है। ओके इसको मैंने देखा था कुछ इस तरह करके इसका ये क्लिप रिमूव होता है, ये इसका क्लिप रिमूव हो गया। और यार बात तो ठीक है, ये मैंने अभी आपके सामने ओपन की है और इसके साथ ये इसमें से बाल निकला, ये आपके सामने निकला और इसमें फंसा हुआ था ये, इसका ये फेस अगर मैं उतारूं, आई डोंट नो ये कौन से नंबर का है, 7 है 8 है। साथ में ये इसके हेडर है, ये आई थिंक इसके ऊपर लगा के देखते हैं, लगे ऐसे ऐसे लगेगा। तो डिवाइस काफ़ी जो है ना, कोई इतना ख़ास मटेरियल नहीं है, ये एक लोकल ही चीज़ है, कोई इतनी मतलब हाई एक्सपेक्टेशन में। प्लास्टिक इसका जो है ना वो ब्रेकेबल सा लग रहा है, ये इसका जो है नोज़ हेडर है, ऑलराइट सिंपल सा। ये इसका शेवर है, मॉडल का मैंने देखी है कुछ यहाँ पे चीज, कुछ लोगों ने कॉपी व्हाटएवर जो भी लिखा होता है ये चीज़ है। साथ में जो है इसके सिंपल कॉर्ड है, कोई इतना ख़ास फैंसी चीज़ नहीं है, और मे भी शायद आफ्टर मार्केट मिल भी जाता अगर आपकी ये ख़राब भी हो जाती है। साथ में है ये क्लीनर है, ब्रश, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ास यूज़ इसका है, यूजलेस है ये। और ये ऑयल कैन, ये आई थिंक कि मैंने जब पहले भी कुछ ट्रिमर देखे हैं उनके अंदर भी जो इसकी क्वांटिटी होती है वो यही होती है, लोग समझते हैं शायद ये गिरा हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये गिरा होता है, इसकी क्वान्टिटी इतनी होती है बिकॉज ये ऊपर से सील्ड होता है, लाइक यू कैन सी ये सील्ड होता है। तो जो ये हल्का सा ऑयल आपको लग रहा है ना, ये मे भी किसी और वजह से, बट इतना ख़ास है ना। तो जो हमें चीज़ें रिसीव हुई हैं उसके अंदर हमारा एक ये ट्रिमर होता है, ये एक इसका शेविंग हेड होता है, ये इसकी पावर कॉर्ड है, साथ में नोज़ ट्रिमर है, राइट, ये शेवर का कवर है, और साथ में आपको एक अदद ये क्लिपर है जिसका साइज़ मेरा मुझे नहीं पता है क्या साइज़ है, 3 है आई थिंक। ये चीज़ें इस बॉक्स के साथ आप, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इस पैकेज के अंदर। इट्स क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, नॉट सो बैड। अगर मैं इसको कंसिडर करूँ गो टू के लिए कि ये बस ये मेरे मतलब एक चीज़ है कि रेडी टू गो, मैंने जाना है कहीं, जस्ट पिक इट, चार्ज करें और ले जाएं, तो इसको तो चार्ज होने के लिए फ्रीकिंग 8 आवर्स चाहिए, 8 घंटे इसको चार्ज होने में लगेंगे, जो अगर 8 लिखा हुआ है तो मे भी 10 घंटे हो सकते हैं, उससे कम नहीं हो सकते।
और जो 60 मिनट का यूजेज उन्होंने बताया वो 60 मिनट नहीं होगा, वो आपका हार्डली 35-40 मिनट होगा। मैंने ये यूज़ नहीं किया बिकॉज मैंने कभी खुद किया नहीं है शेव, ट्राई करूँगा इसे उसके बाद देखूँगा, लेकिन मुझे क्वालिटी काफ़ी अजीब सी लग रही है, मतलब इतनी बुरी भी नहीं है इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज में यू कैन से इट्स ओके इट्स गुड। इसकी ये मे बी चार्जिंग लाइट है, लेट मी ट्राई टू पुट दैट इन, इसको चार्जिंग पे लगा के देखते हैं। इसकी अगर ये USB होती तो ये आई थिंक ज़्यादा बेहतर होता है, आजकल आ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही। या दिस इज़ पावर लाइट, ये चार्जिंग लाइट है इसका, और ये मे बी इंडिकेटर हो फुल चार्ज पे, मे बी लाइट चेंज करे, मे बी एनी हो, सो दिस इज व्हाट इट इज। और तो जो अगर आप मेरा रिव्यू पूछें तो प्रोडक्ट इज़ क्वाइट ओके विद दैट प्राइस रेंज, बट व्हाट आई थिंक सो कि मैंने क्योंकि फिलिप्स वगैरह के देखे हुए हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, मिनिमम भी वो 6-7 thousand से स्टार्ट होती है रेंज उसकी, बट मे बी जैसे उन्होंने बताया अब क्वालिटी जो है वो तो यूज़ करने भी पता चलेगी टाइम के साथ, बट ये है कि अगर आपके 6 महीने निकाल जाती है दैट्स गुड इनफ, इसकी लाइफ पूरी हो जाती है, इतनी देर में आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। इट्स नॉट समथिंग लाइक कि आप इसको सारी उम्र यूज़ करेंगे। इसका अगर मॉडल की बात करें तो ये है, इसका मॉडल क्या है, हाँ इसका मॉडल है KM6330 एंड इट्स चाइनीज़ प्रोडक्ट, डिज़ाइंड बाय जापान, मेड इन चाइना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आज की वीडियो में इतना ही था, इसकी अनबॉक्सिंग थी, इसकी जो थी स्पेक्स थी, स्पेक्स इसकी क्या खास होंगी, वन स्पीड है इसकी, एक ही स्पीड है ऑन ऑफ, या सो दिस इज व्हाट शेवर लुक्स लाइक। काफ़ी मोटर अच्छा लग रहा है मुझे इसका, काफ़ी अच्छा साउंड करता है ये, मे भी आपका आई डोंट नो ये किस तरह से काम करता है। जो मैं रिव्यू करूं तो प्रोडक्ट इज़ 7/10 विद दिस प्राइस रेंज और विद क्वालिटी। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, अगर आपको कोई और मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी टेक रिलेटेड गैजेट की तो लेट मी नो, आई हैव मैनी डिवाइसेज टू रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर करें, और अब मुझे अपनी डिवाइस बताएं आप किस डिवाइस का रिव्यू देखना चाहते हैं ताकि मैं उसको अनबॉक्स करूँ और आपको बताऊँ कि प्रोडक्ट कैसा है। इस प्रोडक्ट को मैं 7/10 रेट करूँगा, इसकी क्वालिटी और प्लस जो इसके साथ है, ये क्लिपर ज़्यादा होने चाहिए थे डिफरेंट साइज़ में, बट इसके साथ यही है तो गुजारा करना पड़ेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।